हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीएस गुर्रे और ये बीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बेनिफिशियल है और अदर एग्ज़ाम जैसे कि यूजीसी नेट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी किसे कहा जाता है? जीएस गुर्रे, डीएन मजुमदार, डीपी मुखर्जी, आईपी देसाई। तो इसका आंसर है जीएस गुर्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ अप्रोच यूज बाय जीएस गुर्रे इन कास्ट। तो इसमें इन्होंने कौन सी अप्रोच अपनाई थी? एट्रीब्यूशनल अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु से ट्राइब्स आर नथिंग बट बैकवर्ड हिंदूज। ये किसने कहा था? ये जीएस गुर्रे ने बोला था कि ट्राइब्स कुछ नहीं है, ये बैकवर्ड हिंदू हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथोडोलॉजी इज़ यूज इन द स्टडी ऑफ इंडियन साधु बाय जीएस गुर्रे। कौन सी मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज़ की थी जब इंडियन साधु के बारे में ये लिख रहे थे? तो इंडोलॉजिकल इन्होंने मेथोडोलॉजी यूज़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू फील्ड सर्वे ऑन महादेव कॉलेज। तो किसने महादेव कॉलेज पे फील्ड सर्वे किया था? इसका भी आंसर क्या है? जीएस गुर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये किसकी बुक है? ये जीएस गुर्रे की बुक है। नेक्स्ट है, हु इज़ कॉल्ड अ ड्यून ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ड्यून ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी किसे बोला जाता है? जीएस गुर्रे को बोला जाता है। और ये डायलॉग किसने बोला था इन्हें? एमएन श्रीनिवास ने। इन विच यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बिल्ड बाय जीएस गुर्रे। किस यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट बिल्ड किया था जीएस गुर्रे ने? तो वो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी अ वास्ट मेल्टिंग पॉट ऑफ मैनी कल्चर रिलीजन्स एंड वैल्यूज़। तो ये जीएस गुर्रे ने जब इंडियन सोसाइटी की स्टडी की थी तो इन्होंने जीएस गुर्रे ने ये वाला स्टेटमेंट बोला था। नेक्स्ट है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी डेवलप्ड बाय वोम। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी किसने डेवलप्ड किया था? तो जीएस गुर्रे ने किया था। कुछ बुकें हैं जो कि जीएस गुर्रे के थ्रू लिखी गई है और इसके डेट भी लिखे हैं कौन से सन में पब्लिश हुई थी। सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में हुई थी। रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965 में हुई थी। इंडियन साधु 1953 में हुई थी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। नेक्स्ट है इंडियन एक्यूमुलेशन जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी। गॉड्स एंड मैन 1962 में हुई थी, जिसमें से इंडियन सोशल टेंशन वाला इम्पॉर्टेंट है, इंडियन साधु वाला, और कास्ट एंड रेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।